दिस वीडियो कंटेंस एक्सप्लेनिशन ऑफ टॉपिक एट पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री इक्वेशन फॉर पोजिशन वैलोसिटी रिलेशन ये हम पोजिशन वैलोसिटी रिलेशन से कैसे इक्वेशन निकालते हैं इसके अंदर तो इसमें भी देख चलने से पहले लेट्स सी द ग्राफ हियर बिकॉज द सेम ग्राफ कैन बी यूज फॉर द थ्री इक्वेशन जो हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेम अब आपको क्या करना है कि अब वेलोसिटी और जो पोजिशन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप निकालना है तो हमें इस एरिया का पता करना पड़ेगा ओ ए बी सी और जो क्या है एक ट्रेपीजियम है ये क्या है ओ ए बी सी और ये क्या है एक ट्रेपीजियम तो हम टोटल जो एरिया है ट्रेपीजियम का जो ट्रेपीजियम के लिए फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे हम डायरेक्टली ठीक है बजाय हम रेक्टेंगल और ट्राइंगल को अलग अलग एरिया लेने के अब जो ट्रेपीजियम का होता है और ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सम ऑफ द पैरल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम ये जो पैरल साइड है उन दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाई बेस बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसे टू से ठीक है फिर से देखिए जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा वो सम ऑफ द पैरल साइड ऑफ ट्रेपीजियम मल्टीप्लाइड बाई बेस एंड डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो यही हम अगले उसमें जो अपना टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे तो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.8 जो अभी दिखाया था वो फिगर 8.8 का ग्राफ है द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी ठीक है जो डिस्टेंस एस है वो ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में ट्रेवल किया टी में मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज विद इन द ट्रेपीजियम ओ ए बी सी अंडर द ग्राफ जो अभी मैंने आपको ट्रेपीजियम दिखाया है उसका एरिया आपको निकालना है तो दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी जो ट्रेपीजियम ओ ए बी सी यहाँ पे दे रखा है ये वाला वही ट्रेपीजियम जो दिखाया था आपको से बताया था ओ ए बी और सी ऐसे निकलना वो तो उसका एरिया निकालना है और अभी उसमें क्या बताया था कि सम ऑफ द पैलल साइड जो पैरल साइड है उनका सम है यानी ओ ए प्लस बी सी पैरल साइड दोनों थी उन दोनों का सम है मल्टीप्लाइड बाई बेस यानी ओ सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइडेड बाई टू जो ग्राफ है आपको समझाया जाता है यहाँ पे देन सब्सटीट्यूटिंग ओ ए क्या है हमारे पास यू है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है बी सी क्या हुआ वी हुआ एंड जो ओ सी हुआ वो टाइम टी हुआ तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं इनमें तो यू प्लस वी इन टू टी अपॉन हो आ जाता है इसके अंदर ठीक है आ जाएगा अपॉन टू अब इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है सब्सिट्यूटिंग ये दो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हमारे पास एक इक्वेशन आई थी निकल के और वो कौन सी थी वेलोसिटी टाइम रिलेशन से ये वाली इक्वेशन कि u v इज इक्वल अगर हम इसमें से t की वैल्यू निकालें तो v माइनस ये यू इधर जाएगा तो v माइनस और ए इसके नीचे चला जाएगा तो ये अपॉन ए हो जाता है ठीक है बीच में से यहाँ से साइन माइनस है इधर से तो वहाँ पे आप कंसीडर कर लेना वी माइनस यू साइन है यहाँ पे यहाँ पे माइनस का साइन होगा इसके अंदर ठीक है तो टी की वैल्यू क्या निकल जाती है वी माइनस यू अपॉन ए जब हम टी की वैल्यू ये टी की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के अंदर ठीक है तो क्या हो जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा ये वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और जो ये टू ए है उसकी मल्टीप्लाई हम इधर एस में कर देते हैं जो तो जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस वो आ जाती है ठीक है यानी टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इस तरह से हम ग्राफिकली जो थर्ड थर्ड इक्वेशन है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं सो रिमेंबर दैट इन फर्स्ट पोर्शन यू नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट डायमेंशन देयर देन इन पोजिशन टाइम एरिया यूनिट टू कैलकुलेट अंडर द ग्राफ एंड हीयर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूनिट टू कैलकुलेट There, you need to calculate the area of rectangle and triangle here. So that's all about the equation of motions.